प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद इस वक्त यूएई पहुंच गए हैं। ये एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है जहां कई समझौतों पर मुहर लगेगी, दोस्ती की पुरानी इबारत पर नई मुहर लगेगी। और ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत हो रहा है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। इससे पहले पिछले महीने ही मिस्र ने अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था, लेकिन समस्या यह है कि देश में ही कुछ लोग अलग ही कारणों से विरोध करने पर उतारू हैं। करुणा, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर क्या है, आप जानिए। फ्रांस के बाद अबू धाबी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति ने खुद देखे स्वागत किया है, वेलकम किया, और उसकी तस्वीर आपके सामने गले मिले हैं। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। शेख मोहम्मद, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति, वो खुद पहुंचे एयरपोर्ट पर। कुछ उस वक्त की तस्वीर, अब ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अबू धाबी के, और उस वक्त की तस्वीरें भी जब प्रधानमंत्री यूएई दो दिन के फ्रांस दौरे के बाद जैसे ही यूएई पहुंचे हैं अबू धाबी, उस वक्त की तस्वीरें। और ये आप जो तस्वीरें हैं ये देखिए, ये यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद, उनके साथ की ये तस्वीर है, उनके साथ बात करते हुए। एक दिन का ये विजिट और अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाता है, ट्रेड पार्टनरशिप से लेकर अलग अलग कोऑर्डिनेशन को लेकर, कोऑपरेशन को लेकर अगर बात की जाए दोनों देशों के बीच में, अलग अलग एग्रीमेंट्स को लेकर, रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर अगर बात की जाए, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम वो क्षेत्र है, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये तमाम वो सेक्टर है, तमाम वो क्षेत्र है जिस पर इस एक दिन के विजिट पर पूरा फोकस होगा। लेकिन इस बीच बेहद ही खास तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाया था और आपने देखा भी था कैसे इससे पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे इसके बाद मिस्र का रुख किया था और अब फ्रांस के बाद यूएई का रुख किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त और देखिए कुछ अहम बातें उनके दौरे को लेकर, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछले 9 साल में 5वां दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का कार्यक्रम है। रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बातचीत होगी, साझेदारी की बात होगी। पिछले साल बिन जायद ने खुद रिसीव किया, प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करने पहुंचे थे। 2019 में बिन सलमान ने मोदी को बड़ा भाई बताया था और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस विजिट के क्या मायने हैं, क्या इसका महत्व है और कितना दूरगामी कदम होगा इस दौरे के बाद से। और दूसरी तरफ भारत में जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसका क्या अर्थ है, उसको कैसे समझा जाए। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सूफिया निजामी, प्रवक्ता दारुल उलूम जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल दीपक सर आप ही से, इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? देश के अंदर यूसीसी का एक माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यूएई खुले हाथों से स्वागत कर रहा है नरेंद्र मोदी का। आभारी हूं सर, जब भी आपके चैनल पर आता हूं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, इसके बावजूद कि 72 साल की मेरी उम्र है, बाकी आपके विशेषज्ञ जो है उनसे भी बहुत कुछ सीख जी। सर जो आपने प्रश्न पूछा है, और मैं अरब वर्ल्ड में रह चुका हूँ, यूएई में मैं सर्व कर चुका हूँ सर जी, तो आपने ये पूछा है कि ये क्या है। बड़ा सिंपल है सर, अभी फ्रांस में जिसको मैं कहता हूँ 2M शो अभी खत्म हुआ है, मोदी मैक्रों, और अब यूएई में आप 2M शो देख रहे हैं, मोदी मोहम्मद। ये दोनों जो हैं इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है सर। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में अगर आप मुझे एक मिनट दें मैं बताता हूं सर, आपकी एटीट्यूड और आपका रवैया ये बहुत अहम इन रोल प्ले करते हैं, और हमारी एटीट्यूड और हमारा रवैया जो है वो हमेशा सॉफ्ट रहा है कि आप क्या चाहते हैं हम वो देंगे, हमने कभी रोक डालने की कोशिश नहीं की है। तो मिडिल ईस्ट में इस समय सर इन लोगों को ये भरोसा है कि अमेरिका अब उस अमेरिका पे ये लोग डिपेंड नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए। चीन अगर आ गया तो वापस नहीं जाएगा, ईरान से खतरा है, भले ही सऊदी अरेबिया और ईरान का कोई समझौता हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब यूरोप तो थक चुका है, रूस कहीं और पे बिजी है, तो सिर्फ भारत है जो इनको सिक्योरिटी दे सकता है, वो दे सकता है जो ये चाहते हैं। ये बेसिक रीजन है, चाणक्य ने ये कहा था बहुत साल पहले, 2400 साल पहले, स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती।
अरब वर्ल्ड का स्वार्थ है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, हम चाहते हैं कि वो भारत के साथ दोस्ती करें, और अब बायर सेलर रिलेशनशिप की बजाय इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप हो, ये बेसिक रीजन है। बाकी तो टेंपल वहां बन रहा है, टेरर पे कोऑपरेट, एंटी टेरर डिफेंस, ये सब आपने जो बताया एनर्जी के ऊपर, बिल्कुल दीपक वोरा सर, बिल्कुल आपने इसको जो समझाया भी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कैसे अमेरिका से सीधे मिस्र रवाना हुए था, और उसके बाद इस बार भी हम कुछ ऐसे देख रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में पहुंचे हुए हैं। हम इस विजिट को लेकर और बात करेंगे, और साथ ही देश में आखिर किस तरह से विरोध हो रहा है इसका भी हम जिक्र करेंगे, यूसीसी को लेकर, मोदी को मुस्लिम देशों का सम्मान। जी हां, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्र, आपको पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए, देखिए लास्ट मंथ की बात है, 25 जून की वो तारीख है 25 जून 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र का यह सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे मिस्र इजिप्ट, तब उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। बिल्कुल, दूसरे देश की बात करें, बहरीन की बात करें, अगस्त 2019 किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनासा, भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए यह सम्मान उनको मिला था। यानी कि एक दूसरा देश बहरीन जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में सम्मानित किया था अपने राष्ट्रीय सम्मान से। इसके साथ ही देखिए यूएई की यात्रा पर पहुंचे हुए, लेकिन यूएई ने अगस्त 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद से, जो कि दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत करने के लिए दिया गया था यह सम्मान, यह सम्मान यूएई की तरफ से साल 2019 में दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, अब एक और देश की बात करें, मालदीव की बात करें, जून 2019 में ही निशाने इजुद्दीन सम्मान दिया गया, मालदीव का यह सर्वोच्च सम्मान है, और इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत का भी सम्मान बढ़ाया गया, क्योंकि भारत के सर्वोच्च नेता, भारत के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में भारत को। इसके बाद देखिए फिलिस्तीन का रुख करते हैं, फरवरी 2018 ग्रैंड कॉलर सम्मान दिया गया, ये क्या है, भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को बेहतर करने के लिए यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला देश सऊदी अरब जिसने सम्मान किया, अप्रैल 2016 की बात करें, शेख ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह भी। और देखिए अरब वर्ल्ड से किस तरीके से एक के बाद एक इन दो कार्यकाल की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करुणा, तो उसमें उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, जून 2016 आमिर अमनुल्लाह खान अवार्ड दिया गया, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। और देखिए इस बीच कुछ और जानकारियां हैं। बिल्कुल, देखिए ये सारे सम्मान बताने के लिए काफी हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नजरिया क्या है। अब देखिए भारत में मुस्लिम देशों का जो निवेश है उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है, जैसा कि दीपक वोरा सर कर रहे थे कि ट्रेड रिलेशन और उसका ग्रोथ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई की बात करें तो देखिए $3.35 बिलियन का निवेश है भारत में, और मिस्र की बात करें, मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी हाल ही में यात्रा हुई थी तो $37 मिलियन का निवेश है। वहीं तुर्की की बात करें तो $1.99 बिलियन का निवेश तुर्की का भारत में है करुणा। इसके अलावा देखिए सऊदी अरब की बात करें, $3.15 बिलियन का है, ईरान ने $1.91 बिलियन का निवेश किया हुआ, और बांग्लादेश ने $15 बिलियन का निवेश किया गया है। चलिए हम अपने खास मेहमान का एक बार फिर से रुख करते हैं, देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, और मुस्लिम स्कॉलर वजाहत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, देखिए किस तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है, गले मिलकर स्वागत कर रहा है, खुद यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं शेख मोहम्मद, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, और तमाम जो सम्मान है वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से दिए गए, लेकिन आखिर भारत में इस तरह से विरोध क्यों हो रहा है अगर यूसीसी का जिक्र किया जाता है, यूसीसी को लाने की बात की जाती है। देखिए मेरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है कि दुबई के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद पाने प्रधानमंत्री जी के इस्तकबाल में पहुंचे हैं। पहले भी जिन अरब मुल्कों में या दुनिया में किसी भी इस्लामी देश में प्रधानमंत्री गए हैं, तो मैं समझता हूँ चूँकि मोदी जी की जो लाइफ है, जहाँ तक हमने पढ़ा और समझा है उनको, कि वो सब कुछ जो है वो देश के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का स्वागत है, देश का स्वागत है। और वो कट्टर इस्लामी देश जहाँ बिल्कुल इस्लामी हुकूमतें हैं, सऊदी में इस्लामी हुकूमत है, फ़िलिस्तीन में तो बैतुल मुकद्दस है, वो आज तक जो है बहुत ही हमारे लिए मुकद्दस जगह है, और वो सारे जगह है, मिस्र जो है वो अंबियाओं की, पैगंबरों की ज़मीन है,
कोई जगह ऐसी नहीं जहां मोदी जी का स्वागत ना हुआ हो, मोदी जी को एजाज से सम्मान से नवाजा गया हो। और मैं समझता हूं कि ये भारत का ही सम्मान है, भारतवासियों का ही सम्मान है, देश का ही सम्मान है। और देश के अंदर की बातें जो आप हम लोग कर रहे हैं, ये कुएं के मेंढक जैसी एक मिसाल है कि इनको हर हाल में विरोध करना है, चाहे वो हमारी माए बहनों के लिए ट्रिपल तलाक आ रहा हो, चाहे वो देश में कोई अच्छी योजनाएं आ रही हो, देश में तालीम का ग्राफ बढ़ रहा हो, मुसलमान जो है वो, अब देखिए मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की तो जो लीडरशिप है वो बोखलाहट में है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी बोखलाहट में थे, अब यूसीसी की बात हो रही है तो परेशानियों में है। बात यह है कि मुसलमान बहुत समझदारी से काम ले रहा है, आम नागरिक जो मुसलमान है लीडरशिप से अलग हटकर जो अपने किसी लीडरशिप से और अपनी किसी कयादत से दूर जा करके मोदी जी का सम्मान भी करता है, मोदी जी तो के साथ यही भी समझना है। और आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों षड्यंत्र हुए, आप लोगों के माध्यम से हजारों षड्यंत्र हुए, सुफियान निजामी साहब हजारों षड्यंत्र हुए हैं। ये सवाल आप ही से मैं कर रहा हूं, फिर भी कि मुसलमानों के देश के अंदर हित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं या उनकी बेहतरी के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उनका भी विरोध करने का एक माहौल तैयार किया जाता है। और यूसीसी को लेकर हम अभी से ही देख रहे हैं कि बारकोड दिया जा रहा है हर मस्जिद के बाहर और आप विरोध करिए। इसके उलट जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है, उनको खुली बाहों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये दो चीजें क्यों हैं? भारत का मुसलमान इन सब चीजों को कैसे देख रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनका स्वागत, उनका सम्मान, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, और देश के वज़ीर आज़म के अगर सम्मान में पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उनके एजाज़ में कोई भी अमली इकदाम होता है तो यकीनी तौर पर हर हिंदुस्तानी का सीना उससे चौड़ा होना चाहिए और हमारा भी होता है। देखिए एक बात बहुत साफ़ और वाज़ है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बातें अभी आपने विरोध के नाम पर हमारे ख़िलाफ़ कहने की कोशिश की हैं और हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूसीसी के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर हम वज़ीर आज़म का विरोध करते हैं, तो एक बात क्लियर कट समझ लीजिए कि हम न वज़ीर आज़म का विरोध करते हैं न हम किसी इंडिविजुअल का विरोध करते हैं। मुसलमानों का मजहब और मुसलमानों के अखलाक उनको ये कतई तौर पर तालीम नहीं देते हैं कि हम किसी से अपनी ज़ाती लड़ाई को वाज़ करें। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना हमारी वज़ीर आज़म से है, ना हमारी मोदी जी से है, ना हमारी अमित शाह जी से है, और इवन बीजेपी या स्वयं सेवक संघ के किसी भी नेता से हमारी जाति कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर किस चीज़ लड़ाई की सिर्फ है? इस बात किस की है की कि जो तस्वीर पूरे मुल्क, एक मिनट सर मेरी बात पूरी हो जाने दें तब अपनी बात रखें तो बात समझ भी अभी आएगी। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज जिस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है वो किस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म किया जा रहा है? उस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का किया जा रहा है जहां पर हर मजहब के मानने वालों को एक नज़र से देखा जाता है, जहां पर हर मजहब के मानने वालों के लिए उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाती है, जिनमें हर मजहब के मानने वालों के लिए ये आज़ादी है कि वो अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। और ये जो डाइवर्सिटी जो मिसाल पूरी दुनिया के अंदर मिलती है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो हमारा मुल्क है, और इस मुल्क का वज़ीर आज़म जब इस तरीके से कहीं पर जाता है कि वहाँ पर हर मजहब के मानने वालों को सम्मान मिलता है, हर धर्म सवाल का जवाब देने वालों को अपनी ट्रेडिशन पर, हम अपने देश के बारे में जानते हैं, हर हिंदुस्तानी जानता है। मेरा सवाल था विरोध किस बात का? नहीं नहीं, आपको मैं रिफ्रेम कर रहा हूँ क्वेश्चन, सुनिए तो। आपकी बात मैं समझ गया, हिंदुस्तान के बारे में बच्चा बच्चा जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात कही जा रही है कि ये मोदी सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं समझ नहीं पाता कि मुस्लिम वर्ल्ड फिर उसी मोदी का स्वागत करने के लिए इतना बेकरार क्यों है। या तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया का मुस्लिम ग्लोबल मुस्लिम से डिस्कनेक्टेड है, उसको दिख नहीं रहा है कि दुनिया के मुसलमान क्या सोच रहे हैं मोदी जी के लिए। मेरी बात एक समझ लीजिए कि यहां पर अगर आप ये कहें कि मोदी जी का सम्मान हो रहा है तो आप गलत हैं। यहाँ पर मोदी जी का सम्मान इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम का सम्मान हो रहा है। अगर आप नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हिंदुस्तान की यह तारीख रही है कि जितने भी वजीर आजम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ गए हैं वहाँ पर उनका सम्मान हुआ है और उनका विरोध भी हुआ है।
अभी अमेरिका के अंदर जो 75 सांसदों ने हमारे वजीर आजम के खिलाफ एक लेटर लिखा था उसको भी आपको दिखाना चाहिए। तो एक बात और समझ लीजिए कि यूसीसी का विरोध हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नरेंद्र मोदी का। चलिए ठीक है सुफियान साहब, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई के दौरे पर है वो, जहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया, और इधर देश में यूसीसी पर मंथन हो रहा है। दिल्ली में शिया धर्मगुरुओं की बैठक चल रही है यूसीसी को लेकर, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से भी विरोध का ऐलान किया गया। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और देखिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शिया समुदाय की बैठक इस वक्त हो रही है। मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी का बयान सामने आया, यूसीसी आने पर एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यूसीसी मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, ये बात कही गई है जो शिया समुदाय की बैठक इस वक्त चल रही है। इसमें मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी का जो बयान आया उसे आप देखिए और सुनिए। यूसीसी का मैटर चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वो है कि जिसके जरिए से हुकूमत एक बिल लेके आना चाहती है कि जिस बिल के जरिए से वो हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के इख्तियार को यकसा कर। एक छोटी सी मिसाल ये दे कि मसलन एक ही शादी होगी, दूसरी शादी नहीं हो सकती, इसी तरीके के मसाइल। हालांकि उसका कोई ड्राफ्ट बन के भी नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ। जो हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक बात की गई है उसमें क्लियरली हर हिंदुस्तानी को उसके अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तमाम सहूलियात फराहम कराई गई, कोई इख्तलाफ। तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है कि आप कोई अध्यादेश लेके आइए और कोई चीज आप तब्दील कीजिए और कोई चीज बदलने की कोशिश कीजिए, कुछ घटाइए। ये बता दूं आपको कि ये मुसलमानों के ऊपर रख के थोपा जा रहा है, हालांकि मुसलमानों के लिए ये नहीं है, सबके लिए मुसीबत है। तो दिल्ली में यूसीसी को लेकर ये विचार बैठक इस वक्त, और देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि यूसीसी है क्या जिसको लेकर इतनी बहस है, क्या इसमें बड़ी बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त इतनी चर्चा है। तो हर नागरिक के लिए एक समान कानून, पहली बात तो ये, हर धर्म पर समान तरीके से लागू होगा, यानी कि कोई भी धर्म हो ये कानून सबके लिए बराबर होगा। अब इसमें विषय कौन कौन से होंगे, जैसे विवाह या तलाक जैसा विषय होगा, ये सबके लिए एक कानून लाएगा जिसका सबको पालन करना होगा। इसके अलावा गोद लेने, उत्तराधिकार पर भी एक जैसा ही कानून होगा, अलग अलग धर्म के हिसाब से कानून नहीं होगा करुणा, यानी कि सबको, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। और देखिए यह भी समझना होगा कि यूसीसी आया तो क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आनंद मैरिज एक्ट, पारसी विवाह तलाक अधिनियम, ये जो तमाम चीजें आप जरा देखिए, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबके लिए एक जो कानून है वो हो जाएगा, एक समान कानून होगा। तो ये जो बड़ी बात है कि आखिर यूसीसी है क्या और यूसीसी आया तो इसका क्या होगा असर, ये तमाम बातें हमने आपको बताई, लेकिन इससे पहले हमने आपको ये दिखाया भी कि कैसे यूसीसी को लेकर जो शिया समुदाय है उसकी तरफ से बयान सामने आए, विरोध किया गया। इधर मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, लखनऊ में मस्जिद और मदरसों पर बारकोड्स लगा दिए गए, बारकोड के जरिए अपनी राय भेज सकेंगे मुस्लिम, बारकोड से विधि आयोग को भेजी जा रही है राय, यूसीसी लागू होना देश के लिए अच्छा नहीं, ये फिरंगी महली की तरफ से कहा गया है। और चलिए सुफियाना साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुफियाना जी, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी जो यूसीसी को लेकर शिया समुदाय की बैठक और इससे जो एक बात निकलकर सामने आई, ये कहा जा रहा है कि थोपा जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है? लॉ कमीशन की तरफ से तो सभी से राय मशवरा मांगा जा रहा है, कहां थोपा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जिस जो बातें आपने कही गई हैं कि सबके लिए एक कानून होगा, और जो अभी आपने एक ड्राफ्ट की शक्ल में पेश करने की कोशिश की है,
तो उसमें दो तीन बातें आप जरा सा सुन लें ताकि आपके दर्शकों को भी इस बात में समझ में आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो बात आप कह रहे हैं कि एक देश में एक कानून होगा, तो एक देश में एक कानून क्या हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है? हम अभी हमारे देश में एक कानून नहीं है क्या? क्रिमिनल लॉ में हम एक दूसरे के साथ मामलात में एक कानून पर अमल नहीं करते हैं? यही तो बहुत दिलचस्प है, यही तो बहुत दिलचस्प है सर, क्योंकि लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं ये आरोप है, आप लोगों पे आरोप है, इसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए कि भाई क्रिमिनल लॉ होगा तो उसमें आप यूनिफॉर्म मांगेंगे और सिविल में आपको अलग चाहिए, आप इस्लामिक कानून क्यों नहीं मान लेते क्रिमिनल का भी, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल अलग चाहिए, वो चलेगा, उसमें हाथ के बदले हाथ वाला चलेगा, वो नहीं चलेगा, लेकिन आपको शादी ब्याह और बाकी सब चीजों में अपना वाला कानून चाहिए। अगर आप बना दें, ये आरोप लगते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तो आपको जवाब देना चाहिए, तो मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ। अरे सर, आपने अभी सवाल किया, सुफियाना साहब, अगर महिलाओं को, बच्चों को, मुस्लिम महिलाओं को, लेकिन जब अदालत में जाएंगे तो अदालत समान अधिकार मिलेगा, हिसाब से तो चलेंगी नहीं। अगर मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को भी समान अधिकार मिल जाएगा इस कानून के तहत तो क्या दिक्कत आएगी? अरे सर, जितनी आसानी से आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको भी पता है कि हकीकत क्या है। एक नैरेटिव कम से कम मुसलमानों के खिलाफ ना बनाएं कि मुसलमान किसी दूसरे शरीयत को या किसी दूसरे कानून को मानते हैं। हम भी इसी मुल्क के कानून को मानते हैं, हमें भी 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट के जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है कि हम अपने वजाहत साहब का रुख कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको वक्त दिया, वजाहत साहब का रुख कर रहे हैं, वजाहत साहब आप ये बताइए नैरेटिव बनाने की, मेरी बात सर आपके पास आ रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं आप लोग, दिक्कत आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए, जल्दी करिए। नहीं, मैं सर ये कह रहा हूँ कि एक नैरेटिव बनाने की कतई तौर पर कोशिश ना की जाए मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान इस मुल्क का कानून मानता है, और अगर आपको इतनी ही ज्यादा मुसलमानों के ताल्लुक से इश्कालात का आपके अंदर शुबा है तो आप जरा देख लें कि गाय के नाम पर दो कानून मुल्क में क्यों चल रहे हैं, रिजर्वेशन के नाम पर मुल्क में दो कानून क्यों चल रहे हैं? एक ही सरकार है जो गाय के नाम पर दो कानून चलाती है, यूपी में अलग कानून है और नागालैंड में अलग कानून है, गोवा में अलग कानून है। तो कम से कम मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ये क्लियरिफाई करें, जवाब दें कि अगर आप एक देश में एक सर, कानून केंद्र की जब बात कर रहे हैं सर, तो इसमें एक टेक्निकल बात यह है, सुनिए तो, संसद जब कानून बनाए और केंद्र जब बनाए तो वो पूरे देश पे लागू होगा और स्टेट सब्जेक्ट में वो राज्यों में बदल सकता है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, हमें लगता है इसको समझने की जरूरत, जैसे एजुकेशन ही है, एक केंद्र का कानून अच्छा। है, एक राज्य का कानून है। हम वजाहत साहब के पास चलेंगे, चलिए ठीक है, यही इसका उत्तर मैं वजाहत साहब से ले लेता हूं। सॉरी सर, मैं आपकी बात कर दूं, नहीं, पूरी बात में गोवा में आप किसके अंडर में है? गोवा एक राज्य है, मुझे लगता है कि एक राज्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करें, वजाहत साहब मेरा सवाल आपसे ये है सर, एक सेकंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आप जवाब दीजिए, आपको सर वक्त दिया, तो आप लोग के साथ सर वक्त दिया, आपके पास फिर आएंगे सर आपके पास फिर आएंगे आपके पास सुफियाना सर। लेकिन वजाहत साहब आप ये बताइए, नैरेटिव बनाया जा रहा है या फिर वाकई में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जरूरत महसूस हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? मेरे भाई, मैं शुरू से एक राय रखता हूँ इसमें कि अभी मुसवदा कानून का तैयार हो रहा है और कानून कमीशन सबको बुलाकर रहा है, मशवरा कर रहा है, तो बजाय हम शोर मचाने के, मस्जिदों में ऐलान करने के और ये सब करने के, तो हम जो मुस्लिम संगठन हैं, जितनी भी ये लीडरशिप है, वो हुकूमत से बात क्यों नहीं करना चाहती है? ट्रिपल तलाक के मसले को मैंने बहुत करीब से देखा, कानून कमीशन उस वक्त सबको अलग अलग बजाय साहब, एक बड़ी बारीक सी बात है, मैं खुद भी गया था संगठन, एक बड़ी बारीक सी बात है, यूसीसी का विरोध है, मतलब ये कानून ये चाहिए ही नहीं, एक समान कानून इसमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये एडजस्टमेंट हो जाए ये बात कोई नहीं रही है, एकदम से नहीं चाहिए, टोटली रिजेक्टेड। मेरे भाई ये मसला ही अलग है, नहीं मेरे भाई इसको पहले ऑफ, मैं कह रहा हूँ यूसीसी है क्या, पहले इसको समझ तो ले, मुसव्वदा तो आने दे। हाँ। भाई क्रिश्चियन भी है देश में, सिख भी है देश बिल्कुल, में बिल्कुल, और हिंदू मैरिज एक्ट भी उससे कैंसिल होना, सनातन धर्म के भी 100 करोड़ लोग हैं, तो वो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, खाली मुसलमान ही क्यों हुकूमत के खिलाफ हर वक्त आकर खड़ा होता है? सवाल है, कोई भी बहाना चाहिए, बस हुकूमत के खिलाफ आना है। ये जो प्रोटेस्ट का इनिशिएटिव है ये कुछ मुसलमान संगठनों या नेताओं की तरफ से ही इतना एग्रेसिव क्यों है शुरुआत में? जैसा वजाहत साहब कह रहे थे कि भाई मसौदा नहीं आया है, अभी अलग अलग धर्मों के कानून हैं, वो भी बात करेंगे, अभी चर्चा होगी, कुछ बदलाव होगा तो सजेशंस आएंगे, लेकिन विरोध की जो पहल है, जो हमारे साथ बैठे हैं या और जो लोग आज बारकोड स्कैन करके विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन शुरू कर दिया बड़ी जल्दी। जी सर, हमारे जो
बाकी पैनलिस्ट हैं उनका ज्ञान डोमेस्टिक इश्यूज पे मुझसे कहीं ज्यादा, मैं तो विदेश मामलों में डील करता हूँ, आई डोंट कमेंट ऑन इंटरनल अफेयर्स। आपका राजदूत मैं कई मुस्लिम देशों में रहा, मैं सूडान में था, चाड में था, इजिप्ट में था, टूनिसिया में था, वहां पर ये मुद्दा कभी नहीं उठता है सर। इट्स एन ओपन सोसाइटी। यूएई में जहां इस समय आपके प्रधानमंत्री गए हैं, जो सम्मान दिया गया है सर, आपने सही कहा कि वो भारत को दिया गया है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर इंटरनेशनल अफेयर्स में। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में, आपको याद होगा, बांग्लादेश के टाइम में अमेरिका गई थी, रिचर्ड निक्सन से मिली थी और 3 मिनट के अंदर बर्फ जम गई थी हवा में, बिकॉज उनकी पर्सनल इक्वेशन बड़ी खराब है। तो ये चीज बहुत जरूरी अच्छा है। सर एक छोटा सा कमेंट, बहुत समय कम है, 10 सेकंड, क्या अमेरिका में एक जैसा कानून है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, अमेरिका में एक जैसा कानून 100% है सर, सूडान में एक जैसा है, इजिप्ट में एक, सबके लिए एक है, वो धर्म को नहीं देखते सर, वो देखते हैं बस यही पूछना था एक कानून बस यही पूछना था वो तमाम देश जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है, जिनसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जोड़ी हैं, उन देशों में भी एक समान कानून है, लेकिन अब हमारे देश में इसको लेकर अलग तरह की बहस चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।